I've been on my grind. Hello viewers, today we are making gajarela. इसमें बहुत हमें कम चीज़ें यूज़ करनी हैं जो कि हमेशा घर में अवेलेबल होती हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़. इसमें हमने गाजर लिया है, मिल्क हमने लिया है 1/2 लीटर, शुगर हमने ली है 150 ग्राम, ऑयल हम 3 से 4 चम्मच यूज़ करेंगे. आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये हमने खोया बनाया है जो कि मैंने घर में ही बनाया है, और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट जाएंगे. ये काजू है और ये पिस्ता. सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे. इसमें 3 से 4 चम्मच हम ऑयल यूज़ करेंगे. और उसके बाद हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे. गाजर का हलवा कई तरीके से बनता है, लेकिन हमने आपके लिए बहुत इजी तरीका इस्तेमाल किया है. इसको हम 15 से 20 मिनट फ्राई करेंगे. ये अपना रंग तब्दील करना शुरू कर देती है गाजर. इसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे. आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत अच्छी लगती है. ये तकरीबन हमें 1 घंटा लगता है बनाते हुए इसको, 1 से 1.5 घंटा. वक्फे से चम्मच हिलाते रहें इसे. बीस से 25 मिनट आप वक्फे से चम्मच हिलाते रहें. ये ड्राई हो गया है मिल्क. अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे. शुगर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन हमने इसमें 150 ग्राम यूज़ किया. हल्का कर दें. फिर इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखना है. अब इसको ढकना हटाकर चेक करें. फ्लेम हम थोड़ा तेज कर देते हैं. इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है. ये ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट क्रश भी डाल सकते हैं, लेकिन हम साबित डालेंगे। गाजर का हलवा हमारा रेडी है। हम इसमें खोया डाल देंगे। आप चाहें तो ऊपर भी थोड़ा सा इसमें खोया डाल सकते हैं, और ये हम थोड़ा सा इसमें काजू और मिला देंगे। और ये हमारा बहुत ही अच्छा गजरेला तैयार है। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।